Friends, how are you all? I hope you all are fine. Okay, let's start the session. The subject is E and V. Take out your textbook. Chapter number 8. हमने 7 तक chapters complete कर लिए, right? So today we will learn a new chapter. Chapter number 8. Flying High. What is the name of chapter? Flying High. मतलब ऊंचे उड़ना. ऊंचे कौन उड़ता है? Sky पे कौन उड़ता है? Flying कौन करता है? Birds. तो यहाँ पे birds की story है. Let's start the चैप्टर. चलो. ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट. ऑल से आई डांस द बेस्ट. ऑन माई फीदर्स आई एम प्राउड. ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. चलो यहाँ पे ये कौन बोल रहा है? हमें बर्ड का नेम जो है, बर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? जो बर्ड होते हैं उनके जो स्पेशलिटीज होती है, बर्ड की जो स्पेशलिटीज होती है वो यहाँ पे आपको दी गई है. तो ये जो स्पेशलिटीज है उनको देख के आपको बर्ड को आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट वाला क्या है? ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट. हेड के ऊपर क्या है बर्ड के? क्रेस्ट, मतलब कलगी है. ऑल से आई डांस द बेस्ट. सब क्या कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा डांस करता हूँ. ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड. उनके जो फीदर्स है उससे वो प्राउड फील करता है. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. चलो, रेन के जब बारिश होती है, रेन से पहले वो क्या करता है? क्राई अलाउड, मतलब जोर से लाउडली क्राई करता है. तो चलो, ये एनिमल सॉरी बर्ड कौन सा हुआ? यहाँ पे देखो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन. कौन सा बर्ड है ये? पिकॉक. तो ये किसकी स्टोरी है, ये किसकी स्पेशलिटीज है? पिकॉक की है. उसके जो हेड होता है उसके ऊपर क्रेस्ट, मतलब कलगी होती है. वो बहुत ही अच्छा डांस करता है. उसके फीदर्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. और वो जब रेन होता है तब डांस भी करता है. और बिफोर रेन वो क्राई अलाउड, मतलब क्राई करता है, रोता है. तो ये बर्ड कौन सा है? पिकॉक है. पिकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है और वो हमारा नेशनल बर्ड भी है. चलो, उसके बाद नीचे देखो. लॉन्ग एंड ग्रोड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. द इज व्हाट यू कॉल मी. चलो, लॉन्ग एंड ग्रोड इज माई टेल. उसकी टेल जो है वो कैसी है? लॉन्ग है और ग्रूड, मतलब एकदम ही घनी है. हाई अप इन द स्काई आई सेल, बहुत ही ऊंचे आसमान में वो सेल, मतलब तैरता है, उड़ता है ऊंचे आसमान में. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. क्या करता है वो? जो माउस होते हैं उनको वो पिक करके खाता है. तो ये कौन सा बर्ड है? आपको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा बर्ड है ये. उसकी स्पेशलिटीज क्या है? उसके पास लॉन्ग एंड ग्रूड टेल है, बहुत ही ऊंचे आसमान में वो सेल करता है. और क्या खाता है? ईट क्या करता है वो? माइस को पिकअप करके खाता है. तो ये कौन सा बर्ड हुआ? ये वाला है. उसको आइडेंटिफाई करना है आपको. ईगल. कौन है ये? ईगल है. तो ये पिकॉक है फर्स्ट वाला, देन ये ईगल है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. माई फीदर्स आर ग्रीन, माई बिक इज रेड. ग्वावा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड. आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. चलो, माई फीदर्स आर ग्रीन. कैसे फीदर्स है उसके? ग्रीन कलर के. एंड बिग जो है वो कैसी है? उसकी जो चांच है वो कैसी है? रेड कलर की. फीदर्स जो है वो कैसे है? ग्रीन. देन ग्वावा एंड चिल्ली आई एम फेड. क्या खाता है वो ज्यादातर? ग्वावा एंड ग्रीन चिल्ली. आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस. पीपल के जो आवाज होती है उसकी वो कॉपी करता है. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. और क्या करता रहता है? एकदम शोर मचाता रहता है. तो कौन सा बर्ड हुआ ये? चलो यहाँ पे नीचे देखो. ये वाला बर्ड है. कौन सा बर्ड हुआ ये? पैरट. विच बर्ड इज दिस? पैरट, राइट. चलो, उसके बाद नीचे देखो. यहाँ पे ब्लैक आर माय फीडर्स एंड ब्लैक इज माय कोको. काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग. चलो, क्या है यहाँ पे? ब्लैक आर माय फीडर्स. हू सेइंग दिस? ये वाला बर्ड जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला बर्ड जो है वो ये बोल रहा है, ब्लैक आर माई फीदर्स एंड ब्लैक इज माई, क्या है उसकी? बॉडी है. क्या होता है? बॉडी. ब्लैक आर माई फीदर्स एंड ब्लैक इज माई बॉडी. काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग. चलो, तो ये कौन सा बर्ड हुआ? क्रो है. इट इज अ क्रो. कौन सा बर्ड हुआ ये? क्रो है. ये कौन सा है? क्रो. चलो, उसके बाद नीचे देखो. कुहू कुहू इज माई साउंड. एवरीवेयर आई एम फाउंड. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम. इज माई नेम.
चलो कौन सा बर्ड, हू स्पीकिंग दिस, विच बर्ड इज स्पीकिंग दिस, दिस वन. चलो कुहू कुहू इज माई साउंड, क्या साउंड करता है ये बर्ड, कुहू कुहू बोलता है. एवरीवेयर आई एम फाउंड, सब जगह पे आप उसको देख सकते हो. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, वो उसको फेमस बनाता है उसका जो स्वीट वॉइस है वो. तो चलो उसका नाम क्या है, कुकू. कौन है ये, कोयल बर्ड है. क्या है, कुकू, सी यू सी के डबल ओ कुकू. तो ये कुकू है. उसके बाद नीचे देखो, डेड एनिमल आई टू ईट, मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय. चलो हु इज स्पीकिंग दिस, ये वल्चर बोल रहा है. चलो यहाँ पे आपको जो ये बर्ड है उसका नेम यहाँ पे आपको दिया गया है, राइट, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है उसका नेम. ये वल्चर है, विच बर्ड इज दिस, वल्चर. चलो वल्चर क्या करता है, डेड एनिमल्स आई डू इट, क्या खाता है वो, डेड एनिमल्स खाता है. मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, वो जो अपनी प्लेस जगह जगह जो होती है वो कैसे बनाता है, एकदम क्लीन और नीट बनाता है. वो जहाँ पे रहता है उसका जहाँ पे नेस्ट होता है वो एकदम क्लीन एंड नीट होता है. हाई अप इन द आई फ्लाइट, कहाँ पे वो उड़ता है, ऊंचे स्काई में, कहाँ पे उड़ता है, स्काई. तो यहाँ पे ब्लैंक में आपको स्काई राइट करना है. वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाई, तो कौन सा बर्ड है ये, वल्चर. उसके बाद नीचे देखो, हु स्पीकिंग दिस, माई बीक इज पिंक. चलो दिस बर्ड इज स्पीकिंग, माई बीक इज पिंक, feathers grey, gutter goo, I go on all day, in a house I make my home, a is how I'm known. चलो my beak is pink, उसकी जो चोंच होती हो, चोंच जो होती हो कैसी है, pink है. feathers grey, grey color के feathers है उसके. gutter goo, क्या करता है वो, gutter goo कहता रहता है पूरे दिन. in house I make my home, कहाँ पे घर बनाता है, हमारे जो house होते हैं वहाँ पे वो अपना nest बनाता है. a is now How I am known. तो कौन सा बर्ड हुआ ये, पीजन. कौन सा बर्ड है ये, पीजन है. देन चलो ये वाला देखो, हु स्पीकिंग दिस, हु स्पीकिंग दिस, माय बीक इज वेरी स्पेशल. ओके दिस बर्ड इज स्पीकिंग, आई यूज इट लाइक अ नीडल. चलो स्टीचिंग लीव्स आई मेक बाय होम, द बर्ड इज हाउ आई एम नॉन, माई बीक इज वेरी स्पेशल. चलो उसकी जो बीक है एकदम स्पेशल है. आई यूज इट लाइक अ नीडल, कैसे वो काम करती है, नीडल. नीडल क्या होती है, थ्रेड एंड नीडल होता है, राइट, थ्रेड एंड नीडल. तो नीडल के जैसे उसका काम करती है स्टीचिंग, जैसे नीडल से हम स्टीच करते हैं तो वैसे ही वो अपना स्पेशल जो उसकी जो स्पेशल बीक है उससे वो नीडल से स्टीचिंग करती है. लीव्स आई मेक माई होम. चलो ये जो लीव्स मतलब लीव्स जो होते हैं, लीफ होता है उसके ऊपर वो स्टीचिंग करती है नीडल से, मतलब उसकी बीक से करती है और अपना घर बनाती है. द बर्ड इज हाउ आई एम नॉन, तो ये कौन सा बर्ड हुआ, वीवर बर्ड है. ये कौन सा बर्ड है, वीवर बर्ड. तो यहाँ पे आपको राइट कर लेना है वीवर बर्ड. देन इन ट्रंक, नाउ हु स्पीकिंग दिस, ओके दिस वन, दिस बर्ड इज स्पीकिंग नाउ. इन ट्रंक ऑफ ट्री हॉल्स आई मेक, इन ट्रंक ऑफ ट्री हॉल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट आई इंटेक्ट, टक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुड पिकर इज व्हाट पीपल से. चलो तो ये कौन सा है बर्ड, वुड पिकर है. हु इज दिस, वुड पिकर. इन ट्रंक ऑफ ट्रीज, चलो ट्री की जो ट्रंक होती है वहां पे वो क्या करता है, आई मेक, हिडन इंसेक्ट आई इंटेक्ट, टक 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 आई वर्क ऑल डे. चलो वो एकदम ही टक टक जैसी आवाज निकलता है, उसकी जो बीक होती है वो कहाँ पे रखता है, कहाँ पे वो साउंड करता है, ट्रंक ऑफ द ट्री, कहाँ पे, ट्री का जो ट्रंक होता है वहां पे वो अपनी बीक से क्या करता है, टक टक ऑल वर्क ऑल डे. तो वो मतलब पूरा दिन टक 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 करता है. हिडन इंसेक्ट आई इंटेक्ट, चलो वो वहां से क्या खोज निकलता है, क्या करता है वो, वहां से वो क्या खाता है, हिडन इंसेक्ट मतलब जो ट्री का जो ट्रंक होते हैं वहां पे एंट्स होती है, राइट, या तो फिर कभी कभी वो क्या होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं. तो वो वहां पे हिडन इंसेक्ट जो होते हैं छुपे हुए उनको वो खाता है. द वुड पिकर इज व्हाट पीपल से, तो वो कौन सा एनिमल, सॉरी कौन सा बर्ड है ये, वुड पिकर. देन व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, नाउ हु स्पीकिंग दिस, दिस बर्ड इज स्पीकिंग, व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, जंगल में इतना नॉइज क्यों होता है, मैं आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाता हूँ. तो ये कौन बोल रहा है, आउल बोल रहा है. कौन बोल रहा है, विच बर्ड इज दिस, आउल. नाउ डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग. चलो तो ये अभी कौन बोल रहा है, डियर आउल,
द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग. क्या कर रहे हैं बर्ड्स जो हो रहे बर्ड्स जो है जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो प्रेजिंग कर रहे हैं और शाउटिंग कर रहे हैं जोर जोर से, चिल्ला रहे हैं. क्या कर रहे हैं? शाउट कर रहे हैं, राइट. चलो उसके बाद यहाँ पे देखो द आउल सेड स्टॉप द हुलाबालू. व्हाई आर यू क्वेरलिंग? वी आर ऑल स्पेशल इन आर ऑन वे. आर क्लोज बीक्स फीदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी ऑल आर बर्ड. चलो ये जो आउल है वो क्या कह रहा है? स्टॉप दीज हल्लाबालू, मतलब ये जो आप नॉइस कर रहे हो बंद करो. व्हाई आर यू क्वारलिंग? आप जो है वो ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो? क्वारल मतलब सब क्या कह रहे हैं एक दूसरे को कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास ऐसे मेरे पास ऐसी बीक है, मैं ये करता हूँ, मेरी आवाज़ है वो सबको पसंद आती है, मेरे जो फीडर्स है बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो वो सब बर्ड्स जो है वो इंटरनली क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी फाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा बहस कर रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा बर्ड. तो फिर ये अभी जो आउल है वो क्या कह रहे हैं कि इतना नॉइज क्यों फैला रहे हो, इतना नॉइज क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे आउल ने बोला था वाइज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. ये जब बर्ड्स जो है ऊपर के कौन कौन यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, वुड पिकर, पीजन, वल्चर, वीवर, कुकू, पिकॉक, क्रो एंड पैरट. तो दीज बर्ड्स आर क्वेरलिंग. क्या कर रहे हैं वो लोग? एकदम ही इंटरनली थोड़ा सा झगड़ा कर रहे हैं कि मेरे पास ये स्पेशलिटीज है. तो ये जो आउल है वो क्या कर रहे हैं कि ये जो आप लड़ाई कर रहे हो बंद करो, सब हम सब स्पेशल ही होते हैं अपने अपने वेज में. किसी के पास अच्छी बीक है, क्लाउज है, अच्छा फेदर्स है, कोई अच्छा साउंड करता है, लेकिन फिर भी हम सब बर्ड है. क्या है? हम बर्ड है. इफ वी ऑल लुक अलाइक एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी. चलो वो क्या कह रहा है? इफ वी ऑल लुक अलाइक, चलो अगर हम सब लोग सेम होते, एक जैसे दिखते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसे साउंड करते, तो हम कितने वर्ल्ड डल लगते यहाँ पे, हम कैसे लगते यहाँ पे, और वर्ल्ड जो पूरा है वो कैसा लगता अगर हम सेम होते. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारी सबकी स्पेशलिटीज अलग अलग है. चलो यहाँ पे नीचे देखो अभी, विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन? राइट देयर नेम्स. चलो यहाँ पे कौन से नेम है तो पहले देख लेते हैं हम कौन से है. पीकॉक, देन विच वन इज दिस, ईगल, क्रो, पैरट, कुकू, वल्चर, पीजन एंड वुड पेकर एंड बीवर. कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने हैं टोटल? 9 एंड 10 आउल, राइट. तो यहाँ पे आपको राइट कर देना है. चलो यहाँ पे पीकॉक, पैरट, वल्चर, वीवर, ईगल, क्रो, कुकू एंड वुड पिकर. तो ये आपको नेम्स जो है ब्लैंक्स पे राइट करने हैं. Now go outside and look for birds on tree, in winter on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? क्या करना है आपको? ऑब्जर्वेशन करना है. आपके घर के आसपास जाओ, घर से बाहर निकलो. Winter in the ground, winter season में on the ground, ground के ऊपर and around bushes, bushes के आसपास. वहाँ पे कौन से बर्ड आप देख सकते हो? In the table write the names of birds and put the sign the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how you would know it. Right? चलो अभी यहाँ पे नीचे आपको टेबल दिया गया है. Name of the bird in winter on the tree on the ground in the house and flying. तो ये आपको ऑब्जर्व करके ही आपको राइट करने हैं. Now have you ever noticed that different birds have different types of beaks? Given below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully. Identify the bird and write their names. यहाँ पे देखो उसकी जो बीक होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट. तो नीचे पिक्चर दिए गए हैं उसके, हमें यहाँ पे नेम राइट करने हैं कि ये कौन सा बर्ड है, किसकी बीक है. तो सबसे पहले देखो ये पिक्चर, देखो किसका है ये, किसका पिक्चर है ये, किसकी बीक है ये? पैरट है. विच बर्ड इज दिस? पैरट. कौन सा बर्ड है ये? पैरट है. देखो उसकी जो बीक है वो रेड कलर की होती है. कैसी होती है? रेड कलर की होती है, राइट. और थोड़ी सी डाउन में है, नीचे की ओर है थोड़ी. तो ये पैरट है. तो यहाँ पे पी ए डबल आर ओ टी, पैरट, पूरा रेड कर लेना. फिर ये देखो किसकी है ये? क्रो की है ये. विच बर्ड इज दिस? क्रो. क्रो की बीक देखो, पैरट की रेड होती है, लेकिन ये जो क्रो है उसकी थोड़ी सी अलग है, ग्रे कलर की होती है. सो क्रो. Now which bird is this? ये बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है, उसके हेड पे देखो क्रेस्ट है. तो ये कौन हुआ? पीकॉक.
पिकॉक की देखो कैसी है, थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों से, राइट? पैरट, क्रो एंड पिकॉक। उसके बाद नीचे देखो अभी, चलो ये कौन सा बर्ड है, ये विच बर्ड इज दिस, क्या है ये, फर्स्ट वाला है वो ईगल है, ये कौन सा है, ईगल। तो यहाँ पे ईगल की देखो कैसी है, ईगल की जो बीक होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है, यहाँ से देखो कैसी है, नीचे उसकी एकदम शार्प है। और ये क्या है, ये क्रैन है, ये क्या है, क्रैन। विच बर्ड इज दिस, क्रैन। डन, चलो। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड्स, कलर इट एंड राइट इट्स सेम। चलो यहाँ पे लास्ट में जो ब्लैंक दी गई है, राइट, तो उसमें आपको कोई भी आपका फेवरेट बर्ड हो या फिर यहाँ पे जो नहीं दिया गया हो उसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करो और उसका नेम राइट कर दो, ठीक है। जस्ट एट बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, दे हैव ऑल, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विद सम ईट फ्रूट्स, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स, व्हाइल अदर ईट फिश, मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, बर्ड को मैच करना है कि वो कौन सा फूड खाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो कौन सा है, ये वल्चर है, वल्चर क्या खाता था, वल्चर इंसेक्ट खाता है, क्या खाता है, इंसेक्ट। तो यहाँ पे मैच करो वल्चर को। उसके बाद ईगल जो है वो क्या खाता है, घर में से माउस खाता है, तो यहाँ पे माउस आएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखो, ये क्या है, वुड पिकर है, वुड पिकर छोटे छोटे इंसेक्ट खाता है, यस। तो यहाँ पे राइट करो ये। उसके बाद पैरट जो है वो चिली खाता है, और पिजन जो है, पिजन क्या खाता है, ग्रेन्स, राइट। चलो तो ये आपको राइट कर लेना है। नाउ हैव यू एवर, हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, देयर नेक मूवमेंट्स आल्सो डिफर, द मैना मूव हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू द लार्ज एक्सटेंट, कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल। चलो जो बर्ड जो होते हैं वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफरेंट, द मैना मूव हर नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क, क्या करती है, मैना जो होती है वो अपने नेक को बैक मतलब पीछे भी देख सकती है, और जो आउल होता है वो तो रोटेट कर सकता है मतलब चारों ओर अपने नेक को घुमा सकते हैं। आप अपने नेक को ऐसे कर सकते हो, देर आर सम बर्ड विच कैन इमिटेट अवर वॉइस, तो कोई ऐसे बर्ड है जो हमारी आवाज की कॉपी कर सकता है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड, यस इट इज अ पैरट। पैरट जो होता है वो हमारी कॉपी करता है, ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो पैरट का पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करो, कलर करो और उसका नेम राइट करो। गो आउटसाइड एंड विच हाउ, वॉच हाउ बर्ड वॉक एंड मूव देयर नेक्स, look at their feathers and listen to the sounds made by them, copy the sounds made by any three birds, copy their neck movements too, ask your friends to guess which bird you copied। चलो आपको बाहर जाके क्या करना है, उसकी movements देखो bird की, उसके feathers देखो, फिर वो कैसे sound करता है वो sound करो, फिर वो याद रखो कि कैसे sound करता है, जैसे parrot होता है तो वो कैसे sound करता है, पिकॉक जो होता है वो कैसे साउंड करेगा, स्पैरो जो होती है वो कैसे साउंड करेगी, तो ये साउंड याद रखो और अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसको पूछ सकते हो साउंड निकाल के। नाउ द फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट कलर शेप्स एंड साइजेस, चलो उसके जो फीदर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं, साइज में भी अलग होते हैं। देयर फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू, जो उसकी फीदर्स होते हैं वो उनको वार्म रखते हैं मतलब गर्म रखते हैं और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ऑल फीदर्स एंड नाउ न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, यू मस्ट हैव ऑफन सीन फीदर्स ऑफ बर्ड लाइंग अराउंड, चलो वो जो उसके फीदर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं, जैसे ही वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं और न्यू वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। कलेक्ट फीदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड स्टडी, लाइंग अराउंड स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस अबाउट इट, क्या करना है आपको, फीदर्स बर्ड्स के जो अलग अलग फीदर्स होते हैं जैसे पिजन के पिकॉक के, तो वो जो आपको मिलते हैं उनको आप कलेक्ट करो और देखो कि उनके कौन से शेप पे है, उनकी साइज क्या है, कलर्स क्या है, और उसको डिस्कस करना है। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई, चलो ऐसे कौन से एनिमल है वो फ्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नेम राइट करने हैं। फिर उसके बाद देखो लेट्स मेक अ कॉक, चलो यहाँ पे आपको कॉक बनाना है, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है, तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।